गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 22 जनवरी और हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे रात में रुके थे और यहाँ से वेंकटागिरी जा रहे हैं। अभी वेंकटागिरी 65 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं इधर ही टेंट लगाया था रात में। अब सामान टोटल लोड हो चुका है, तो फिर अभी 8:30 बज रहा है, थोड़ा लेट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग हर हर महादेव का नाम लिख के। जस्ट पेट्रोल पंप से यू टर्न लेके इधर आए, यहाँ पे नाश्ते की दुकान है, तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद निकलेंगे। इस तरह से रोड पे टपरी टाइप का ये दुकान है, तो इधर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही निकलेंगे। ये अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, चलिए फटाफट करते हैं फिर निकलते हैं। ये है पीना रिवर, अभी जस्ट पेट्रोल पंप से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है पीना रिवर का ब्रिज। अभी रिवर पूरी तरह लगभग सूख चुका है, तो बारिश के मौसम में इस सब रिवर में पानी रहता है और गर्मी वाले मौसम में ज़्यादातर सूख जाता है, तो बारिश पे डिपेंड रहता है रिवर। चलिए चलते आगे। रोड पे एकदम शांति, कोई नहीं, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। 5 मिनट या 6 मिनट पे एक गाड़ी आ रही है, वो भी बहुत मुश्किल से, उधर साइकिल खड़ा है। तो देख रहे हैं कितना सन्नाटा है इस जंगल में, पानी कहीं से आ रहा है, नदी से या जहाँ से भी आ रहा होगा, और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, दिख रही है पानी में। नीचे जाएंगे नहीं, रास्ता सही नहीं है जाने लायक, और सन्नाटा वाला जंगल पूरा एकदम। इस तरफ ये कोई जंगल का ही झील टाइप का है, केवल चिड़ियों का आवाज, एकदम शांति, एक भी गाड़ी नहीं। अभी देखो 2 बाइक आ रही है बहुत टाइम बाद। अब 2-3 दिन रुकना है वहाँ जाने के बाद, साइकिल सही करानी है, बोर्ड वोर्ड अपना सब हिल उल गया, इसको भी ठीक कराना है, चैन ढीला हो गया है वो भी टाइट कराना है, बहुत सारा काम है। तो लगभग 4 दिन तक रुकेंगे और उसी में जाएंगे तिरुपति बालाजी दर्शन करने, तो सब मिला के 4 या 5 दिन इधर स्टे लेंगे। जो पानी में कुछ दिखा है एक बैग, चलिए आपको दिखाते हैं नज़दीक से। नीचे जाना सही नहीं होगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे मूर्ति देवी जी का मूर्ति प्रवाहित किया गया है और मूर्ति पानी में एकदम क्लियर दिख रहा है पानी के अंदर। चलिए धीरे धीरे निकलते हैं, तो आगे मिलते हैं आपको। यहाँ पे वेंकटागिरी 56 किलोमीटर है और तिरुपति 108 किलोमीटर है, जो कि वेंकटागिरी वाले ही रूट पे पड़ेगा, तो 500 मीटर के बाद मुझे लेफ्ट लेना है। चलते हैं कुछ लंच करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या पे है, उसके बाद लंच करके तब निकलेंगे। खा चुके हैं, अब सीधा निकलते हैं। वेंकटागिरी राइट को जाएगा, यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर के आसपास है, तो चलिए निकलते।
आज का मौसम बढ़िया है, धूप थोड़ा कम था आज हर दिन के हिसाब से, और मौसम धुंधला धुंधला टाइप का है, ठंडी इधर तो है नहीं, उस साइड पूरा हिल एरिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा। कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाता है ज़्यादा दूर का, एक्शन कैमरा में आपको पता ही होगा भाई, पूरा जंगल जंगल। अभी आज मैं जितना चला हूँ टोटल जंगल वाला एरिया था, बीच में एक टाउन था, वही जहाँ से टर्न होकर इधर वेंकटगिरी के लिए जा रहा हूँ, वही एक मुझे थोड़ा सा दिखा टाउन एरिया, बाकी सब जंगल खेत यही सब, इधर हरियाली हरियाली हर तरफ। तो आंध्र प्रदेश काफ़ी खूबसूरत स्टेट है। वेंकटगिरी में पहुँचने के बाद बहुत काम है भाई, काम निपटाने की कोशिश करेंगे 3-4 दिन के अंदर, उसी में दर्शन भी है। मेरे राइट साइड में बहुत बड़ा सा झील टाइप का है, उसके जस्ट बगल में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बगल में हिल एरिया है इस तरह से, और अभी अप है। तो इस रूट पे अप डाउन रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, क्योंकि अभी फॉरेस्ट हिल दो ही चीज़ इधर देखने को मिल रहा है, जिस पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज 89 किलोमीटर टोटल था वहाँ से वेंकटागिरी, जो कि हमको शाम तक हो जाएगा पहुँचते, नहीं तो मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ, लेकिन ये रास्ता इतना अप डाउन वाला है कि टाइम मेरा बहुत चल जाता है, और डाउन में चलने में कितना मज़ा आता है और अप में चलने में क्या महसूस होता है आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो टोटल एग्रीकल्चर प्लाट है, इधर यहाँ पे एग्रीकल्चर पे हमको लगता है ज़्यादा ध्यान देते हैं सब, और बहुत सिस्टमेटिकल ढंग से खेती करते हैं, लेकिन इधर रासायनिक का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, और यूपी में हमको लगता है इतना यूज नहीं होता है, इधर तो बहुत यूज होता है। अभी मैं जैसा देख रहा हूँ यूज बहुत ज़्यादा होता है इधर रसायन का। तो अभी तो पैदल ही चल रहा हूँ, अप पे ऐसे ही चलना पड़ता है जब तक थोड़ा सा प्लेन या डाउन ना आए। चलिए, और लोकेशन तो काफ़ी खूबसूरत है इस साइड का, लाइट इधर है तो इसका इसकी वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। चलिए चलते हैं, कोई अच्छा लोकेशन दिखता है तो फिर दिखाएंगे आपको, वरना वेंकटगिरी पहुंचने के बाद डायरेक्ट आपसे मिलेंगे। और उधर Thank you.